उदित राजजी, आप बहुत पढ़े लिखे मानव जी मैं आऊंगी आपके पास, मुझे पता आपकी कलम दिख रही है, लेकिन टीस भी उठती है कि कलम वालों को आज बचाना चाहिए था, आज वो लहू लुहान होके निकले हैं। मैं आऊंगी आपके पास, जरूर जरूर आपकी बात दर्शकों तक लेकर जाएंगे, लेकिन सबको एक चांस दे दे बोलने का, फिर आपके पास आती हूँ। उदित राज जी, मेरा सवाल ये है, क्या इस देश को अब हम इस तरह से बांटने लगेंगे कि ये हिंदू इलाका है और ये मुस्लिम इलाका है, यहां पर त्योहार है तो वहां पर मत जाइए, वहां पर त्योहार है तो यहां पर मत आइए, और इस तरह की अगर हम बात खुद करने लगे जब हम सरकार में हो तो फिर बाकी प्रजा का क्या, बाकी प्रजा का क्या? क्या अगर दुर्गा पूजा की इमर्शन का टाइम हो तो कहा जाएगा कि मुहर्रम की जुलूस निकलना, इसलिए दुर्गा पूजा का वहां से निकल जुलूस नहीं निकल सकता? ये किस तरह की बातें हैं और ये क्या बना रहे हैं हम अपने देश को? हमने तो ईद भी मिलकर मनाई है, दिवाली भी मिलकर मनाई है, ये हम अपने देश के इतिहास को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या मैसेज है देश के लोगों के लिए? क्या कर रहे हो मानव जी, आपको हंसी आ रही है इस बात पर? आपको हंसी आ रही है? आपको हंसी आ रही है इस बात पर कि मैंने जब कहा कि ईद और दिवाली इस देश ने इतिहास में साथ साथ मनाई है, आपको हंसी आ रही है मानव जायसवाल जी? इसमें हास्यास्यपद क्या है? आपको किस बात का मजाक लग रहा है? आपके लिए ईद और दिवाली दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों हंस रहे हैं मुझ पर? क्या मैसेज है आपका जनता के लिए? मनोज जायसवाल जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, मानव जायसवाल जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, फोन लाइन चेक करें। उदित राज जी बोलिए मैडम, हम कुछ पूछ रही थी, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, कहें आप अगर इस तरह का सवाल उठाएं तो कुछ बड़ा आश्चर्य लगता है। यहाँ मनेसर और नूह में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, पंचायत बुलाई गई, कहा मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना है, इनका बहिष्कार करना है। आपको नहीं सुनाई पड़ा, दिल्ली में प्रवेश वर्मा आह्वान करते हैं कि इनसे सारे संबंध तोड़ दो, इनको कोई काम न दो, लेना देना बंद करो। ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने ही स्थापित की। जहां तक ईद और दिवाली मनाने का टुगेदर, ये परंपरा गांधी जी की है, ये कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग कर दिया, ईद अलग कर दिया, दिवाली अलग कर दिया, होली अलग कर दिया, ये तो इन्होंने फाड़ दिया है। मतलब जो सद्भावना थी जो, वो फाड़ दिया। दिल्ली के नाक के नीचे इतना खतरनाक बातें हो, पंचायत में बातें हो, उसका संज्ञान ले जाए। यही नहीं, जंतर मंतर पर इन्हीं के नेता वहां आके कहते हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। एक आप एक बीजेपी के लोग ये कहें सद्भावना की बात, और जो दिल्ली में बाहर के लोग आए थे दंगे के अंदर, आज तक उन्हें चिन्हित नहीं किया गया। कहां से आए थे 150-200 लोग थे? ये तो धर्म के नाम पर तीनों ने बांट किया। नाविका जी, एक बात और आती है, तुष्टिकरण। आपके तो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आपको हावड़ा नहीं नजर आ रहा, आप बात को भटका रहे हैं। जंतर मंतर, राष्ट्रपति मुसलमान है क्या? इस देश के चीफ जस्टिस मुसलमान है क्या? इस देश के डीजी मुसलमान है क्या? इस देश के चीफ सेक्रेटरी मुसलमान है क्या? चीफ मिनिस्टर मुसलमान है क्या? कॉरपोरेट के मालिक मुसलमान है? नहीं, क्या आप क्या चाहते हुआ भाई? क्या मुसलमानों ने क्या तुष्टिकरण कर दिया है भाई? बार बार तुष्टिकरण करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके आप वोट की खेती तैयार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान के, वो उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा इस देश में। रोजी रोटी के ऊपर नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर नहीं, सद्भावना के ऊपर ये चुनाव लड़ी नहीं सकते। ये कराया इन्हीं लोगों ने था, हर जगह कोई ऐसा झगड़ा। हिंदू भारत में जब भी झगड़ा होता है हिंदू मुसलमान का,
आरएसएस और बीजेपी उसमें उपस्थित न हो यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। हावड़ा पर आप आंख मूंद लीजिए और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आपने कहे हैं, मैं नहीं मानती कि किसी को भी ये कहना चाहिए, लेकिन शायद उदित राज जी आप भूल रहे हैं कि इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं, इस देश के चीफ जस्टिस अहमदी साहब रह चुके हैं, शायद आप भूल चुके हैं ये सब। आप भूल चुके हैं कि इन सभी पदों पर कोई ना कोई बैठा है। अपवाद को आप रूल बनाते हैं। अपवाद को कितने मुख्यमंत्री हैं भाई, एकाध अपवाद को बनाते हैं, कहते हैं तुष्टिकरण। क्या उन्होंने न लिया, न जमींदार हैं, न पत्रकार हैं, न वो देश के राजनीतिक, न राष्ट्रपति, न चीफ जस्टिस, कोई भी अपवाद से नहीं बनता इस देश में। इस देश में सब काबिलियत और हर किसी की काबिलियत होती है और हर किसी का सपोर्ट बेस होता है। अपवाद से कोई नहीं बनता। मेरिट की बात अगर आपने कभी सुनी हुई हो तो उदित राज जी मेरिट के बारे में भी सोचकर देखिए। हम कोई भी किसी भी बाप दादा या किसी धर्म से आ रहे हैं, इसीलिए हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमारी काबिलियत है या नहीं ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। और अपनी जेश अवस्थी